हेलो दोस्तों, बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे केस एंड फ्यूचर का, कैसे आज का परफॉर्मेंस रहा और क्या सिग्नल दिया। आप लोग सभी लोग जानते ही है कि बाय सिग्नल के पहले अपर साइड ट्रायंगल बनता है, मतलब कि बाय सिग्नल कंफर्म है, और सेल के पहले अगर डाउन साइड ट्रायंगल बनता है तो सेल कंफर्म है। दो ही कंडीशन में आपको काम करना है, सेल के पहले डाउन साइड ट्रायंगल होना चाहिए और बाय के पहले अपर साइड ट्रायंगल होना चाहिए। ये कभी कभी बाद में भी आ सकता है ये ट्रायंगल, तो उसके लिए सॉल्यूशन हमने शीट नंबर 2 के अंदर जाकर दिया है। अगर ये बाय सिग्नल आया, बाय सिग्नल के साथ आप शीट नंबर 2 को वेरीफाई कर लीजिए। अगर यहाँ सभी कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बाय सिग्नल में ये ट्रायंगल बाद में आया है, जैसे कि ये बाय सिग्नल जनरेट होते आया है, तो नो प्रॉब्लम। आप यहाँ इस बाय सिग्नल पर शीट नंबर 2 के अंदर जाकर देख लीजिए, तो यहाँ ऑलरेडी उसने बाय कंफर्म दे दिया है पहले से, तो आप यहाँ से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेल भी कंफर्म था, काफी मार्केट नीचे आया है, यहाँ से आपका एग्जिट हो गया। अगर वहां नहीं हुआ है तो बाय पर आपको एग्जिट कर लेना है। निफ्टी के अंदर हमने बोल दिया था करीब 7 से 8 दिन पहले कि अब आप जो सेल में पोजीशन बनाए रखा है उसको एग्जिट कर दीजिए, और मार्केट आज बाय में था, काफी मार्केट ऊपर गया। कल से ही बाय सिग्नल दे दिया था, 2 बार उसने बोला था होल्ड करवाने के लिए। साथ में सीट नंबर 2 में जाकर देखते हैं तो वहां देखिए तो सभी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, मतलब कि बाय सिग्नल कंफर्म है। यहाँ ग्रीन हो गया, यहाँ ग्रीन हो गया, यहाँ भी ग्रीन हो गया, यहाँ भी ग्रीन हो गया, यहाँ भी ग्रीन हो गया, और डाउन साइड भी ग्रीन है, तो मतलब कि ये सिग्नल दोनों सीट में कंफर्म हो चुका है, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये जो सेल है वो गलत है, क्योंकि सेल के पहले डाउन साइड ट्रायंगल नहीं बना है, आप इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करिए। टाटा स्टील के अंदर देखते हैं तो टाटा स्टील के अंदर सेल सिग्नल था, कंफर्म था, क्योंकि सेल के पहले डाउन साइड ट्रायंगल लगा हुआ था, काफी मार्केट नीचे आया, बाय भी कंफर्म था, बाय के पहले अपर साइड ट्रायंगल लगा हुआ है, काफी मार्केट ऊपर गया। अगर यहाँ एग्जिट नहीं हुआ है तो यहाँ सेल पर आप एग्जिट कर लीजिए। अगर ये बाय डबल वेरिफिकेशन करना है तो सीट नंबर 2 में जाकर देखिए, तो यहाँ देखिए तो सभी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, मतलब कि अब ये डबल वेरिफिकेशन है। अब ये सेल गलत है, बाय गलत है, सेल गलत है, तो ऐसे साइडवे में हमारा सॉफ्टवेयर आपको प्रोटेक्शन दे पाएगा। इसमें आपको किसी में भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप इस सेल में जाकर देखते हैं ये सेल के अंदर, तो सीट नंबर 2 में भी गलत बताया है। देखिए तो यहाँ रेड है, यहाँ रेड है, नीचे की साइड रेड है, मतलब कि दोनों सीट में ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये बाय के अंदर जाकर देखते हैं सीट नंबर 2 के अंदर, तो वहां देखिए तो यहाँ सभी ग्रीन है, पर यहाँ नीचे की साइड देखते हैं तो रेड बन चुका है, मतलब कि इस बाय में भी उसने काम नहीं करवाया है। अब ये सेल में जाकर देखते हैं, सेल में जाकर देखते हैं सीट नंबर 2 के अंदर, तो यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, नीचे की साइड रेड है, मतलब कि इसके अंदर भी आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नीचे की तरफ एरो नहीं डाला है। अब काफी मार्केट तो थोड़ा बहुत नीचे आया है, पर अब हमें कोई गलत सिग्नल में ट्रेड नहीं लेना है, जैसे ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट। अशोक लेले के अंदर बाय सिग्नल था, काफी मार्केट ऊपर गया, अगर होल्ड पोजीशन बनाए रखा है तो कंटिन्यूअसली बाय में है। इसके अंदर बाय सिग्नल आया है, गलत आया है, सेल भी आया है, गलत आया है, एक साइड इंडिया के अंदर, और ये बाय का कंफर्म था, क्योंकि बाय के पहले अपर साइड एरो था, 2 बार उसने बोला होल्ड करने का, और सेल आया तो आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। एक्सिस बैंक के अंदर देखते हैं तो एक्सिस बैंक के अंदर बाय था, कंफर्म था, एक बार होल्ड करवाया, एग्जिट हो गया। अगर यहाँ एग्जिट नहीं आता है तो सेल पर एग्जिट करवा दीजिए। इनफी के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर सेल था, कंफर्म था, काफी मार्केट नीचे आया, बाय था, कंफर्म था, यहाँ से आपका एग्जिट हो गया, यहाँ नहीं हुआ है तो सेल पर एग्जिट कर दीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं तो बाय था, कंफर्म था, 3 बार उसने होल्ड करवाया, बाय के पहले देखिए अपर साइड ट्रायंगल था, 3 बार उसने बोला होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, और अभी बाय में चल रहा है। जब सेल आए या फिर डाउन साइड ट्रायंगल आए, जो भी पहले आए उस पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। काफी मार्केट ऊपर गया है, आज की मार्केट बहुत पॉजिटिव रही है। सेल था, गलत था, क्योंकि सेल के पहले कोई डाउन साइड एरो नहीं था। साथ में अगर डबल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो सीट नंबर 2 में जाकर देखिए, आधा रेड है, आधा ग्रीन है, मतलब कि वहां से भी ये सिग्नल परफेक्ट नहीं होता है, आप इसमें काम मत करिए। तो आज का रहा ये परफॉर्मेंस। बीपीसीएल के अंदर भी बाय सिग्नल था और कंफर्म था, यहाँ से एक बार एग्जिट हो गया, बाद में आपको कोई पोजिशन लेनी नहीं है, काफी मार्केट ऊपर गया था।